हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रेलर्स की, बहुत सारे ट्रेलर्स की जो इन दिनों आए हैं, पिछले प्रॉबली 2 से 3 दिनों में। एंड इतने सारे ट्रेलर आए तो मैंने सोचा एक साथ एक वीडियो बना लूं ताकि आपको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े, एक ही साथ आप सारा ट्रेलर का रिव्यू देख सके। और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाके देख भी सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कह दूं कि मैंने टाइम स्टैम्प दे के रखा है, ड्यूरेशन में आपको दिख जाएगा हर एक ट्रेलर का टाइम स्टैम्प। तो आपको जो भी ट्रेलर का रिव्यू पहले देखना हो या जिसका भी आपको इंटरेस्ट हो देखना हो, आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ चंद्रमुखी 2, कंगना रनौत की फिल्म है। ये बेसिकली साउथ की फिल्म है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, एंड कंगना रनौत इसमें लीड है। हॉरर कॉमेडी है जो रिलीज होने वाली है 19th of September, एज पर जो मैंने ऑनलाइन देखा, बिकॉज ट्रेलर में कहीं भी उन्होंने रिलीज डेट का जिक्र नहीं किया है, पर आई थिंक 19th of September को रिलीज होने वाली है ये फिल्म। साउथ में तो ऑब्वियसली एक बड़े स्केल पे रिलीज हो रही है, नॉर्थ बेल्ट में भी रिलीज होगी। अब कितने बड़े स्केल पे ये हम बोल नहीं सकते, कंगना रनौत है तो हो सकता है हो। ट्रेलर की मैं बात करूं, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। चंद्रमुखी 2 नाम से पता चल जाता है कि एक सीक्वल काइंड ऑफ फिल्म है। और बहुत बार हमने देखा है कि कंगना रनौत जिस फिल्म में होती है वो फिल्म इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो एक्टिंग होती है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। आप मणिकर्णिका देख लो, या इवन आप, मैं तो कहूंगा इनफैक्ट धाकड़ भी कहीं ना कहीं मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग मुझे अच्छी लगी थी। तो ये भी वैसी लग रही है, लाइका प्रोडक्शंस की फिल्म है, उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इसमें राघव लॉरेंस भी है जो डबल रोल कर रहे हैं। तो आई थिंक यू नो, ये फिल्म तो अच्छी चली जाएगी, साउथ में बहुत अच्छी चलेगी। एंड अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो आप ट्रेलर भी देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और एक हवेली के ऊपर है ट्रेलर, जैसे भूल भुलैया में कैसा था वैसे टाइप का थोड़ा ट्रेलर है उसका। तो डू वॉच इट, एंड मुझे भी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये ट्रेलर। दूसरी फिल्म का ट्रेलर जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है दोनों। दोनों आई मीन दोनों कौन ऐसा नहीं है, पर दोनों फिल्म का नाम है, स्टारिंग राजवीर देओल एंड पलोमा। इनकी डेब्यू फिल्म है, राजवीर है सनी देओल के लड़के, पलोमा है पूनम ढिल्लों की लड़की। एंड डायरेक्ट भी कर रहे हैं अवनीश बरजातिया, जो सूरज बरजातिया के लड़के हैं, उनकी भी फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म है। तो बहुत सारे डेब्यूटांट्स हैं। ट्रेलर की अगर मैं बात कहूँ, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ग्रैंड स्केल पे रिलीज कर रहे हैं, एंड ग्रैंड स्केल पे शूट भी किया है। और रही बात स्टोरी लाइन की, इट्स अ रोमांटिक फिल्म। और हमने देखा है कि आजकल जो भी डेब्यूटांट्स होते हैं वो अपना लॉन्च रोमांटिक फिल्म से करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कैमरे से यूज टू होना, एंड वो एक्सप्रेशंस, वो फीलिंग और एक परसेप्शन और एक प्यार लोगों के दिल में जगाना, ये सब रोमांटिक फिल्म से ज्यादा इजी होता है। जैसे करण देओल ने भी वहीं से शुरुआत की थी। तो यस, ट्रेलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट है, शूट भी बहुत अच्छे से किया है, सूरज बड़जात्या खुद इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को अच्छा मौका मिल जाएगा। 5 सितंबर को रिलीज है, तो उस वक्त ज्यादा कोई ऐसी हलचल भी नहीं है बड़ी रिलीजेस की। तो आई थिंक इट्स अ गुड वॉच, जाके देखा जा सकता है अगर आपको रोमांटिक फिल्म अच्छी लगती है। और आज के जनरेशन पे इस फिल्म को बनाया गया है, कैसे अपने 10 साल के पुराने प्यार के शादी में आया लड़का और एक लड़की जो शादी में आई है, और वहां पर ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है, तो कैसे इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी कैसे वो दोनों मिलते हैं, क्या होता है, कैसे प्यार होता है, बहुत स्वीट सी स्टोरी लग रही है। तो आप जरूर जाके उसका ट्रेलर देखना, 5th अक्टूबर को रिलीज है फिल्म का, तो ऑब्वियसली वो भी जाके जरूर देखना आप। देन मैं बात करूंगा फुकरे 3 के ट्रेलर की। यस, फुकरे 3 रिलीज हो रही है 28th सितंबर को। जैसे आप सबको पता है, सालार जब पोस्टपोन हुई तो इमीडिएटली फुकरे ने बता दिया कि हम आ रहे हैं 28 को विद वैक्सीन वॉर। और अब इस फिल्म का जो है ट्रेलर आ चुका है, बहुत ही मजेदार ट्रेलर है, जस्ट लाइक जैसे उनके पिछले 2 वर्जन्स थे। हमारे चूचा साहब, हनी, सब भोली पंजाबन सब आ चुके हैं, पंडित जी भी हैं हमारे, पंकज त्रिपाठी। तो मतलब एकदम हिलेरियस, एकदम मजेदार ट्रेलर बनाया है, एंड थोड़ा पॉलिटिकल कॉमेडी टाइप फिल्म को रखा गया है, जहां पर चूचक अब लड़ने वाले हैं इलेक्शन अगेंस्ट भोली पंजाबन। तो
बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और किस तरह हनी लगाएंगे अपना दिमाग। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, एक्सेल एंटरटेनमेंट की मूवी है, तो ऑब्वियसली एक्सेल की सारी मूवीज ऐसी ही कंटेंट ड्रिवन होती है और मजेदार होती है। मेरी तो फेवरेट प्रोडक्शन हाउस है वो यार, मतलब उनकी हर कोई फिल्म देख लो आप, सब एक से बढ़कर एक होती है। तो यस, फुकरे का ट्रेलर आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा हो, और अगर देख लिया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 800 का ट्रेलर भी आ चुका है, मुथैया मुरलीधरन, लेजेंडरी श्रीलंकन क्रिकेटर, उनके बायोपिक है। और जो ट्रेलर अगर आप देखोगे, बहुत ही इंटेंस, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग ट्रेलर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भाग मिल्खा भाग के थोड़ा उस मतलब भाग मिल्खा भाग की फीलिंग देती है, जहां पर मिल्खा सिंह ने जो स्ट्रगल किया था अपने बचपन में, वही स्ट्रगल यहाँ पर मुथैया मुरलीधरन का बताया है जो तमिलियंस के साथ में हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेलेवेंस है उस चीज का। बट लेकिन कैसे वो एक क्रिकेटर बने, उनके इवन एक्शंस जो थे, किस तरीके से उनपे क्रिटिसिज्म हुए थे, और कैसे दूसरे प्लेयर्स जो है वो नहीं खेल पाते थे उनको, शुरू शुरू में कैसे क्रिटिसाइज करते थे, उनको निकालने की कितनी कोशिश हुई। रणतुंगा का भी एक झलक है फिल्म में जो बने हैं। तो मतलब बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया है, मजेदार ट्रेलर बनाया है, आपको जरूर जाके देखना चाहिए। एंड क्रिकेट फैंस ने अगर ये ट्रेलर नहीं देखा है तो आप क्रिकेट फैंस ही नहीं है, मतलब सीरियसली इस ट्रेलर को आप जरूर देखना। और फिल्म का अभी तक कोई रिलीज डेट फाइनलाइज हुआ नहीं है, पर लेकिन आई थिंक इट शुड रिलीज एनी टाइम इन प्रोबेबली अ मंथ और सो। तो आप जरूर जाके देखना, ये भी मल्टीपल लैंग्वेज रिलीज है, और एक श्रीलंकन क्रिकेटर की फिल्म इंडिया में रिलीज होना बहुत बड़ी बात है। एंड दिस इज हाउ वी रिस्पेक्ट अ स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, और जो भी आप हो। तो यस, डू वॉच द ट्रेलर ऑफ 800। मधुर मित्तल बने हैं मुथैया मुरलीधरन इसमें, पहले विजय सेतुपति बनने वाले थे बट ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी वो नहीं, उन्होंने नहीं की ये फिल्म, उनको छोड़ना पड़ा एक्चुअली मुथैया मुरलीधरन के रिक्वेस्ट पे। पर मधुर मित्तल ने बहुत मेहनत की ऐसा लग रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा आप बस ट्रेलर जाके देखो, आपको सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा थैंक यू फॉर कमिंग के ट्रेलर के बारे में। बालाजी मोशन पिक्चर्स की ये फिल्म है, रिया कपूर ने भी प्रोड्यूस किया है जॉइंटली, और इसमें भूमि पेडनेकर, कुशा कपिला, फिर शहनाज गिल, हमारे बहुत सारे फीमेल एक्टर्स जो हैं इसमें वो है, करण कुंद्रा भी है, अनिल कपूर है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे स्टारकास्ट है इस फिल्म में, और बहुत ज्यादा याद दिला देता है ये ट्रेलर फोर मोर शॉर्ट्स की जो सीरीज आई थी। तो यस, लड़कियों के बारे में थोड़ी अडल्ट कॉमेडी है, और कैसे ऑर्गेजम पे इस ट्रेलर का बेस रखा हुआ है कि भूमि पेडनेकर को ऑर्गेजम्स नहीं आते हैं, तो किस तरीके से उसके साथ क्या होता है एक पार्टी में, और फिर क्या शोर मचता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मजेदार लग रहा है। ऑब्वियसली अडल्ट कॉमेडी है तो ज्यादा अडल्ट वाली बातें भी होंगी, तो देखने में मजा आएगा। डू वॉच द ट्रेलर, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप भी जरूर देखना। ये रिलीज हो रही है 6 अक्टूबर को, तो जरूर देखना तो बनता है। टिफ में भी इसका ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ है, स्क्रीनिंग हुई है, लोगों ने पसंद भी की है, तो यू नेवर नो, दिस फिल्म कुड बी अ हिट, प्रोबेबली अ सुपर हिट। अब मैं बात करूंगा दो ऐसे ट्रेलर्स की जो है ओटीटी पे आने वाली। एंड पहले मैं बोलूंगा बम्बई मेरी जान के ट्रेलर के बारे में। ये आप अगर ट्रेलर देख लो बम्बई मेरी जान के, तो आपको जरूर ऐसा लगेगा कि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड, किस तरीके से बॉम्बे में माफिया चलता है, वो उन सब चीजों के बारे में है। एंड हमने ऐसे देखी है बहुत सारी वेब सीरीज, हमने देखी हुई है, और ये भी उनमें से एक है, पर इसमें कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के बारे में बताया, बाप और बेटे के, के मैंने बाप बने हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डाइवर्स मुझे लग रहा है। ट्रेलर भी थोड़ा इंटेंस है, एक्शन से भरा हुआ है, एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये तो देखना बनता ही है। 14 सितंबर को इसके सारे एपिसोड्स आ रहे हैं ऑन एमेजॉन प्राइम, तो ट्रेलर देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। लास्टली मैं बात करूंगा जाने जान की, जो आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, स्टारिंग करीना कपूर, जयदीप अहलावत एंड विजय वर्मा।
ये जो ट्रेलर जो मैंने देखा इस वेब सीरीज का, पहले तो मुझे समझा नहीं, उसके बाद मैंने वापस देखा तब जाके मुझे समझा कि इस फिल्म का जो जॉनर है वो कहीं ना कहीं थ्रिलर बेस है एंड ड्रामा इसमें बहुत होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो विजय वर्मा और जयदीप अहलावत का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब हर तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा फील देने वाला है कि आप प्रॉबली आपने शायद ऐसा सीरीज पहले कभी देखा नहीं होगा, एंड स्पेशली जब करीना कपूर है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उनका डेब्यू है ये OTT पे। तो ऑब्वियसली जाने जान का ट्रेलर आप जरूर देखना और मुझे बताना आपको कैसा लगा। एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कौन से ट्रेलर से सबसे ज्यादा इम्प्रेस थे इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।